हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सा नाश्ता यानी कि पोहा, जो कि सभी का फेवरेट है और सभी बनाना पसंद करते हैं। बहुत अलग अलग तरीके से हम पोहे बनाते हैं। आज मैं आपसे मेरा तरीका जो है वो शेयर करने वाली हूँ, तो आइए देखें। तो मैंने यहाँ पर लिया है एक कप पोहा। पोहे को हम अच्छे से दो बार पानी से धो लेंगे और सारा पानी उसका निकाल देंगे। पोहे को आपको बहुत ज़्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रखना है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा गल जाएगा। और यहाँ पर मैंने जो है मीडियम साइज़ का जो पोहा आता है वो लिया है। पतला पोहा जो है वो चिवड़ा बनाने के काम आता है, और मोटा पोहा जो अगर आप बनाएंगे तो उसे थोड़ी देर आपको ज़्यादा सोक करके रखना पड़ेगा। अब हम इसके अंदर मसाले डाल देते हैं। तो मसालों में मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और अब हम इसके अंदर डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक यानी कि स्वाद अनुसार। लाल मिर्च जरूर डाल करके देखिएगा, बहुत अच्छा टेस्ट आता है लाल मिर्च का पोहे के अंदर। और 2 टीस्पून इसके अंदर मैं शक्कर डाल रही हूँ। सारे मसाले और मेसी में डाल रही हूँ ताकि जो मसाले हैं वो पोहे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब हम इसके अंदर डालेंगे आधा नींबू का रस। खटास और मिठास जो पोहे की है वो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और सब कुछ डालने के बाद इसे मिक्स कर ले और 5 मिनट के लिए पोहे को सोख होने के लिए रख दें, यानी कि भिगोए हुए पोहे हैं ये, इन्हें ताकि मसाले जो हैं वो अंदर तक अच्छे से चले जाएंगे और थोड़े से खिले खिले भी हो जाएंगे पोहे। तो 5 मिनट हो गए हैं, आइए पोहे बना लेते हैं। तो एक पैन के अंदर मैंने यहाँ लिया है 2 टीस्पून तेल। तेल जब गर्म हो जाएगा उसमें मैंने थोड़ी सी हींग डाली है, 1/2 टीस्पून के तकरीबन जीरा, आप यहाँ राई भी डाल सकते हैं, 5 से 6 कड़ी पत्ता, 2 हरी मिर्च। हरी मिर्च अगर तीखी है तो आप कम कर सकते हैं। और इसे हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 प्यारी कटा हुआ प्याज, और प्याज को थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट होने तक हमें भूनना है, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाए तब तक। और इसमें मैंने डाली है 10 से 12 मूंगफली, और मूंगफली को भी हमें 3 से 4 मिनट तक रोस्ट करना है। और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे हमारे पोहे। तो पोहे के अंदर जो है हल्दी और मिर्ची का फ्लेवर जो है वो अच्छे से मिक्स हो गया है अब तक। और इसे अच्छे से मिक्स करके इसे ढक करके 5 मिनट के लिए हमें ऐसे ही गैस को सिम करके छोड़ना है, ताकि भाप से जो है पोहे अच्छे से पक जाएंगे। तो इसे ढक करके 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, गैस को बंद कर देते हैं और फिर से एक बार अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। बहुत हल्के हल्के हाथों से पोहे को मिक्स करिएगा, बहुत ज़्यादा स्पून इसमें तेज़ी से ना चलाएं, नहीं तो पोहे जो है वो बिखर जाएंगे, टूट जाएंगे। और अब इसके ऊपर हम धनिया से गार्निश कर देंगे और पोहा जो है वो सर्व करने के लिए तैयार है। इसके ऊपर नमकीन और प्याज डाल के आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है इसे बनाना और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। तो फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।